हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 30th ऑफ अगस्त से लेके 5th ऑफ सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लियोस, The Empress, King of Swords, Six of Cups, Ten of Swords, and the Lovers. Okay. So, लगता है कोई पहले जिद कर रहा था, अपनी बातों पे अड़ा हुआ था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहा था, और इस जिद में, इस ईगो की वजह से इस पर्सन ने जो भी बातें कही या जो भी एक्शंस लिए उसके लिए अब ये बहुत पछता रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स दर्शाता है इनके स्टबन बिहेवियर को। ये किसी चीज को लेके जब फिक्सेटेड हो जाते हैं तो फिर वहां से इन्हें कोई हिला नहीं सकता। इन बातों को समझना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है कि सामने वाले के लिए ये कितना मुश्किल होता है जब वो इस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या इस तरीके से रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो लगता है जैसे इस पर्सन को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि स्टबर्ननेस, ये जो जिद है उनकी, वो सिर्फ आपके लिए ही तकलीफ का कारण नहीं बनी है, उन्हें भी इससे तकलीफ होगी। ओके, ये जो जिद है इसने इन्हें गुस्से से भर दिया है या फ्रस्ट्रेशन से भर दिया है या दुख से भर दिया है। इनकी बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं अलग अलग मोमेंट पे, बट इनमें से कोई भी फीलिंग अच्छी नहीं है। और ये जो कुछ भी है ये इन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन मिस कर रहा है पुरानी बातों को। आजकल इनका काफी वक्त गुजरता है पुरानी बातों को सोचते हुए, ये आपकी और उनकी पिक्चर्स देखते हैं, ये पुराने मोमेंट्स को इसलिए एंजॉय करते हैं बिकॉज एक वही तरीका है जिससे कुछ सेकंड के लिए इन्हें लगता है कि इनका दुख इनसे दूर हो गया है और ये खुश हैं। तो एक तरीके से ये पर्सन अपने प्रेजेंट से भागना चाहता है। ओके, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। सो आप कितने लव में थे ये पर्सन अच्छे से जानता है। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन था वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपके बीच में जो प्यार था वो इटर्नल था और इसे वो डिनाई नहीं कर सकते। था क्या ये इटर्नल है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इस लव को वो कभी भूल पाएंगे। और आई थिंक टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। ये सोचिए परेशान है कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि माफी शायद इन्होंने जिंदगी में कभी किसी से मांगी ही नहीं। वो शब्द इनके डिक्शनरी में है नहीं। ओके, अपनी गलतियों पे वर्क करना भी इन्होंने कभी किया, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, और ये इनके लिए बहुत दूर की बात है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये करे कैसे। जब भी इनके मन में ये ख्याल आता है कि उन्हें एक सॉरी कहना है, आपका दिल बड़ा है, आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे और आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, फिर इनका ईगो रस्ते में आ जाता है। ओके, ये आगे नहीं बढ़ पाते। इन्हें अच्छे से पता है कि इस सिचुएशन को सॉल्व करना किसी युद्ध को जीतने के बराबर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है या किसी भी तरीके से झुक रहे हैं, बट अगेन इनका ईगो इनसे कहता है कि वो ये नहीं कर सकते। और ये पर्सन बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हो गया है। ऑल्सो सिक्स ऑफ कप्स के साथ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। ओके, आप दोनों काफी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैं और ये जो कनेक्शन आप दोनों के बीच है ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपने बहुत सारे मोमेंट्स साथ में क्रिएट किए हैं, तो इस रिलेशनशिप को भूल जाना इनके बस का है नहीं। एक तरफ तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स बने बैठे हैं और दूसरी तरफ आप हैं द एम्प्रेस। सो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आपने बहुत लव ऑफर किया है इन्हें जितना आप कर सकते थे। आपने वो सारे एफर्ट कर लिए जो
कोई भी कर सकता है एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट स्टिल उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा. और अब वो चीज इस पॉइंट पे आ गई है कि इस रिलेशनशिप को आप चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हो और ये टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप को कंज्यूम कर रही है. आप इस रिलेशनशिप में भी होके खुश नहीं रह सकते अगर टॉक्सिसिटी ही रहे तो इस पे इन्हें वर्क करना है. ये बात ये समझ गए हैं और कोई इस पे वर्क नहीं कर सकता. ओके ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. मैसेजेस फॉर लियोस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मजिशियन. ओके सो टू डू की लिस्ट 10 के पास काम बहुत है. लाइक इनको अपने ऊपर ही सेल्फ वर्क करना है, अपनी ही गलती को पॉइंट आउट करना है, अपना ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है ऑनेस्टली. और आई थिंक ये पर्सन इसके लिए खुद को मना रहा है क्योंकि अगला कार्ड स्ट्रेंथ का है. तो स्ट्रेंथ को ये पाना चाहते हैं एंड स्ट्रेंथ लगेगी भी, विल पावर चाहिए ये सब कुछ करने के लिए. और ये सबसे बड़ा टास्क है जो आज तक जिंदगी में इन्होंने किया होगा. बट द थिंग इज कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये इसे करने पर मजबूर हो रहे हैं. इसके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो ऑब्वियसली वो जिंदगी में बहुत कुछ लूज करेंगे और रिप्लेसमेंट वो ढूंढ सकते हैं. बट अगेन वो रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं होंगे जैसा कि ये है. सो टू ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ के बाद टू ऑफ पेंटिकल्स होना काफी इंटरेस्टिंग है. यानी जिस भी चीज के लिए ये पर्सन स्ट्रेंथ चाहता है या बटोर रहा है वो उसमें सक्सेसफुल होंगे. इस फॉक्स ने ये डंबल उठाई लिया और स्ट्रांग बनी गया. उसके पास अब स्ट्रेंथ है वो करने की जो उसे चाहिए. सो आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल्स ने जितने भी चैलेंजेस सेट किए हैं अपने लिए वो उन चैलेंजेस को आराम से पूरा कर लेगा. और द मजिशियन के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप के मैजिक को फील कर रहा है. ऑल्सो उन्हें लगता है कि वो आपसे दूर हो गए थे, उनकी लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग बचा नहीं. आप इनके लिए मजिशियन हैं और इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो सरफेस पे आ रही हैं. ऑल्सो इन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि इनकी फीलिंग्स आप पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि आप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो. सो उस सेंस में भी आप एक मजिशियन है क्योंकि उन्हें लगता है कभी कभी कि आपने जैसे उन पे कोई जादू ही कर दिया. ओके द सन का कार्ड है तो द सन के साथ कोई नई सुबह दिखाई दे रही है. यानी जो आप चाहते थे वो मैनिफेस्ट होगा और सब कुछ परफेक्ट होगा. सो द सन के साथ ऑब्वियसली चीजें राइट डायरेक्शन में ही जा रही हैं. ओके कुछ समय लग सकता है टू डू वाली लिस्ट को कंप्लीट होने में और सारे चेंजेस को मैनिफेस्ट होने में. बट एक बार अगर ये चेंजेस मैनिफेस्ट हो गए तो आप खुद को वही पाएंगे जहां आपको होना चाहिए. ओके सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. द फर्न. ओके तो फर्न बात करता है ग्रोथ की, ग्राउंड लेवल से. और इस वक्त यही करने की इस पर्सन को जरूरत है. ये पर्सन मिरर देख रहा है और इन्हें लगता है कि जब वो आपको खुद से कंपेयर करते हैं तो उन्हें अपने अंदर बहुत सारी खमियां नजर आने लगती है. जब वो देखते हैं कि आपने कितना एफर्ट किया है तो उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया. सो लगता है पहली बार लाइफ में वो किसी दूसरे पर्सन के एफर्ट को नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये प्यार ही है आप दोनों के बीच का जो इन्हें ये सब करने पे मजबूर कर रहा है, जो उन्हें खुद पे वर्क करने पे मजबूर कर रहा है, जिससे कि वो भागना चाहते थे दूर दूर तक, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी.
Thanks for watching. Till next video. Bye.